रावलपिंडी से अम्ब्रेला वाटरफॉल सज्जी कोट हम बाइक्स पर गए। अम्ब्रेला वाटरफॉल का पता हमें एक दोस्त के स्टेटस से लगा तो हमारा प्लान बन गया कि हम भी अम्ब्रेला वाटरफॉल जाएंगे। तो हम निकले दिन के 1 बजे क्योंकि उससे पहले मेरा पेपर था तो सब दोस्त मेरी वजह से लेट हो गए। रावलपिंडी से अम्ब्रेला वाटरफॉल का सफर तकरीबन 80 से 100 किलोमीटर है जो कि लगभग 2 से 2.5 घंटे बन जाते हैं। तो इतना लंबा सफर बाइक पर तय करना मुश्किल होता है लेकिन मजा भी बहुत आता है और ख्वारी भी बहुत होती है। डोंट ट्राई दिस वाइल ड्राइविंग। लेकिन मैं तो अच्छा ड्राइवर हूँ यार, मैं तो आंखें बंद करके भी चला सकता हूँ। और अभी हमारे साथ एक ट्रेजेडी हो गई है इसलिए हमें रुकना पड़ रहा है। तो हम अम्ब्रेला वाटरफॉल तक जा रहे थे तो हमारा बाइक पंचर हो गया। 150 किस चीज के? 150 सुनना किस चीज के बात सुनना, क्या नाम है वो करना है, नई ट्यूब डलवा रहे सारों। तो पंचर नहीं हुआ था यार, हमारी तो पंचर की बात हुई, वो खराब हो गया यार। पंचर कामयाब। अच्छा चले, मैं एक पैसे दे रहा हूँ, पैसे देते हो मेरे इस तरह लग जाते हो, ज्यादा लग जाएंगे मेरे में, ज्यादा होंगे। मैं बाद में बात। तो बाइक मेरा पंचर नहीं हुआ था, फिर भी सीन ये हुआ कि भाई मेरे से पैसे चले गए पूरा 150। बहुत आज खुआरी हो गई है। अभी हम जा रहे हैं यहाँ नूरी वाटरफॉल है पास ही, अभी हम वहाँ पे जा रहे हैं। मेरे मोबाइल की तो बैटरी डाउन हो गई है, अभी ये दोस्त से मोबाइल मांगा है, बड़ी मुश्किल से दिया उसने। अभी हम यहाँ पे रुके हैं अपने बाइक के पंक्चर के लिए। मेरा बाइक तो ठीक है, जो काशिफ का बाइक तो उस अगला टायर पंक्चर हो गया, तब वो देखते हैं भाई कितनी देर लगाता है पंक्चर। तब वो कह रहा नहीं है भाई यहाँ पर कामयाब नहीं है, तो तुम यहाँ पर अब ट्यूब चेंज कराओ। ट्यूब के लिए मेरा 150 फ्री में चला गया, तब हम ट्यूब ही चेंज कराते हैं और फिर निकलते हैं नूरी वाटरफॉल के लिए। अगला टायर पंचर, अगला भाई टायर ही गायब है, वो टायर यहाँ पे मरम्मत हो रही है और ये इन भाई की किस्मत खराब है। इस भाई ने मेरे से तो 150 रुपए लिया भाई। भाई बाइक मेरा चला, ये वाला ढंगा रहे थे, असद साहब चला रहे थे और ये चला रहे थे। वीडियो बनाई है मेरे पास, क्या प्रूफ है कि आपने 150? मैंने वीडियो बनाई है भाई जी। भाई प्लान में थोड़ा चेंज है, पहले हम जा रहे थे नूरी वाटरफॉल, ये थोड़ा नजदीक था, अब हम दोबारा जा रहे हैं अम्ब्रेला वाटरफॉल सिटी कोट। वहाँ से पहले हम वापस आ चुके हैं, हाँ वहाँ पहले हम आधे जाके हमारा पंचर हो गया भाई, तो फिर अब हम वापस जा रहे हैं दोबारा अम्ब्रेला। अरे भाई ऐसा चलाओ, क्योंकि नूरी का सुना है कि भाई रास्ता बंद है, अम्ब्रेला का खुला है, इसलिए अब थोड़ा लेट हो गए, 4:30 हो चुके हैं। अम्ब्रेला तो हम खुद भी खोल सकते हैं, ऐसा करते हैं अम्ब्रेला को। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We're meant to be in the great outdoors, forever free. Yeah.
फाइनली अब हम आबशार के पास पहुंच गए हैं, अम्ब्रेला वाटरफॉल के पास। बस थोड़ी देर आगे है, लेकिन भाई नहाने का सीन कुछ खराब हो रहा है क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है, तो वहीं देखते हैं जाके क्या सीन होता है। तो भाई जान यहाँ पे तो सीन ही बहुत बुरा है, और सीन कुछ यूं है कि आगे रोड ब्लॉक है, तो अब हमें पैदल जाना पड़ेगा। पैदल आपको दिखाते हैं हमने कौन सी पहाड़ी उतरनी है। ये देख रहे हैं आप, ये चेक करें, ये पता नहीं कहीं पे नीचे आबशार है, तो अब हमने ये पूरी पहाड़ी उतर के नीचे जाना है, तब जाके हमारा वो आबशार आएगा जिसके लिए हमने तकरीबन 100 किलोमीटर सफ़र किया है, अब जाना तो पड़ेगा भाई। किधर उतर रहे भैया जी? पाकिस्तान हो और ये ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अभी आबशार काफ़ी नीचे है, तो हम बड़ी मुश्किल से नीचे जा रहे हैं क्योंकि भाई बाइक पे बैठ बैठ के हम काफ़ी थक चुके हैं सारे दिन। यार ये आपका है? मेरा अच्छा, सही हो गया सर, ओके। लेकिन अब मैं थोड़ी वीडियो बनाऊंगा। फोन की बैटरी खत्म हो गई थी। हाँ मेरे अपने फ़ोन की तो बैटरी खत्म है, सबको पता है। आबशार कौन सी साइड पे ब्रो? तो बड़ी मुश्किल से भाई जान हम पहुंचे हैं आबशार के पास, अम्ब्रेला। कौन सा है अम्ब्रेला? क्या है अम्ब्रेला? क्या है इसका नाम? क्या था? हाँ अम्ब्रेला वाटरफॉल। तो फाइनली हम पहुंच गए अम्ब्रेला वाटरफॉल बहुत बड़ी ख्वारी के बाद, लेकिन पैसे पूरे हो गए भाई जान यहाँ आने के, यहाँ ख्वार होने के, सब कुछ पैसे पूरे हो गए भाई। अब हम नहाएंगे, उसके बाद कोई और सीन करते हैं। तो अब हम वापस की तैयारी में हैं, काफ़ी लोग ऊपर से नीचे आ रहे हैं और हम नीचे से ऊपर जाएंगे, और जिस तरीके से हम नीचे से ऊपर जाएंगे भाई अल्लाह ही माफ़ करे, वो अखीर है। तो भाई अब हम वो जो पहाड़ी उतर के गए थे, अब वो पहाड़ी हम चढ़ कर ऊपर आए हैं, तो साथ मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं कोई कैमरा या कोई फ़ोन यूज़ करता, तो अभी मैं हमारा एक दोस्त आधे रास्ते में बैठा है और हम तीन ऊपर आए हैं, बहुत मुश्किल से ऊपर चढ़े, और अब हालत हुई है अब तीन घंटे का रास्ता दोबारा घर का, तो अब हम घर जाएंगे, यहाँ से निकलेंगे। घर जाकर अब मैं देखता हूँ कि भाई मैं क्या सीन करूँ, सुबह का नहीं सोया तो शायद मैं सो जाऊँ, ना सोए तो ये व्लॉग आज मैं अपलोड कर दूँगा, नहीं तो कल या रात तक इंशाल्लाह हो जाएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, इस वक्त हालत बहुत ख़राब है। अल्लाह हाफिज़।